नमस्कार दोस्तों दोस्तों 22 अप्रैल को गुरु जो है वो एरीज में आ गया, मेष राशि में। राहु ऑलरेडी जो है एरीज या मेष राशि में है। अब इन दोनों का गुरु चंडाल योग बन गया। अब इसका गोचर का क्या रिजल्ट आएगा आपके जीवन में 22 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक, इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो आप जैसे जानते हैं जुपिटर और राहु मिलके या गुरु और राहु इकट्ठे मिलके जो है गुरु चंडाल योग बना देते हैं। तो इसके बारे में ये कहा हो गया कि बहुत बुरा है ये, क्योंकि गुरु जो है बड़ा पॉजिटिव है, वो जो है एक्सपेंशन का है, विजडम का है। गुरु जो है तो अच्छा रास्ता दिखाएगा। पदार्थों में देख लो, केसर बताता है, पपीता, सॉरी येलो चीजों को बताता है। राहु जो है वो सबसे ज्यादा खराब है, असुर असुर जाति का है, शराब के बाद बताता है, हिडन चीजें, टेररिज्म, कोई भी चीज जो है नेगेटिव है, अचानक होने वाली डकैती, एक्सीडेंट वगैरह, ये राहु बताएगा। और ये जो है मलेच्छ जाति का है ना, गड़बड़ा। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो गड़बड़ा आपका जुपिटर खराब कर देगा। ये भाई राहु या मलेच्छ गुरु को खराब कर देगा, भाई बताओ तो गुरु क्या कर रहा है भाई। तो ऐसा जो वीडियो बनाते हैं या बताते हैं या किताबों में लिखते हैं, कमाल के लोग। और वैसे मैं पूछता हूँ कि भाई तुम गुरु की जाति क्यों पूछ रहे हो? तुमने मैथमेटिक्स पढ़ना है तो क्यों पूछ रहा भाई? तुम मलेच्छ है, फलाना है, ढिमकाना है, क्या है? तुम मैथमेटिक्स पढ़ ले भाई, ठीक है ना। वो इसके मेरे को दोहा भी याद आ रहा है, जाति ने पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान, पड़े रहने दो म्यान, सॉरी ज्ञान। इन्होंने ज्ञान जो पड़ा रहने दिया, म्यान को पकड़ लिए, ये इनकी समस्या है। तो गुरु की जाति से कोई मतलब नहीं है, गुरु के ज्ञान से मतलब है भाई। फिर वही बताते हैं कि वो हींग है राहु, और ये केसर है, तो हींग जो है वो केसर के जो सुगंध है उसको खराब कर देगी, इसलिए जो है इसका जो रिजल्ट है नेगेटिव आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ये देखना है कि राहु क्या हाउस सिग्निफाई कर रहा है, गुरु क्या हाउस सिग्निफाई कर रहा है, क्या भाव बता रहा है। अगर दोनों एक ही भाव बता रहे हैं तो वो दशाओं में आएंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे। इस तरह से अगर गोचर में भी आएंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो क्योंकि अब आज गोचर की बात है, गोचर कैसे काम करता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो चंद्रमा से नहीं देखना, लगन से ही देखना है गोचर। अगर जन्मपत्री लगन से बना रहे हैं तो गोचर भी लगन से देखेंगे। फिर ये आप ये पढ़ लो कि गोचर के लिए तीन प्लैनेट देखने हमने, पहले तो दशाएं में रिजल्ट आ गए, जो दशा रिजल्ट बता रही है दशा मैरिज बता रही है, तो गोचर में भी हम मैरिज देखेंगे। तो गोचर में ये नहीं जाए कुछ और चीज देखेंगे, ठीक वही होगा जो दशा भुक्ति अंदर बताया। गोचर अपने आप से अलग से कुछ नहीं बता सकता। फिर यही है कि तीन प्लैनेट जो एक ही बात करते हो, इकट्ठे हो, म्यूचुअल एस्पेक्ट करें, सिग्निफिकेटर हाउसेस में ट्रांजिट करें, मैरिज हो गया तो 2-7-11 में ट्रांजिट करें, या उसको एस्पेक्ट करें, या अपने जो पोजीशन ऑलरेडी थी उन्हीं पे आए। तो फास्ट मूविंग प्लैनेट हो गए, वो 1 महीना लेते हैं, सन मरकरी वीनस एक राशि में, मंगल करीब 1.5 महीना लेता है। तो वो जब स्टेशनरी से जो प्लैनेट होते हैं बहुत स्लो चलते हैं प्लैनेट, उनके ऊपर आएंगे तो महीने के अंदर रिजल्ट देंगे। तो महीने से कम में रिजल्ट लेना तो फिर हमने देखना है दो प्लैनेट कंजंक्ट कर जाए, ठीक है, या दो प्लैनेट जो है वो कस्पर डिग्री पे चले जाएं, या जो नेटल डिग्री है प्लेनेट की जो पॉजिटिव उसके ऊपर आ जाए। तो इससे हमें डे बदल जाएगा कि कौन से डे पे रिजल्ट आएगा, ठीक। अब आ जाते हैं कि कोई एक जन्मपत्री देख लेते हैं, उसमें राहु जुपिटर जो है वो एक ही रिजल्ट दे रहे हैं, और एक में देख लेते हैं कि उल्टा रिजल्ट दे रहे हैं। तो जिसमें एक ही रिजल्ट देंगे तो वो गोचर वही बताएगा, मतलब वही रिजल्ट दे देगा। अपोजिट रिजल्ट देंगे तो वो दोनों में क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है। ये हो गया 10 अगस्त 1994, ठीक, 8:22, ठीक। अब इसमें राहु जो बता रहा है हाउसेस, जुपिटर भी बता रहा है, राहु जुपिटर दोनों 3-11 बता रहे हैं, साथ में 5-8-10 भी बता रहे हैं। इसका मतलब पर्दे पे आना, ठीक है, और अच्छी सेहत होना। बाकी सारे ग्रहों को भी एक बार नजर मार लेते हैं,
केतु भी वही हाउसेस बता रहा है तकरीबन, मंगल भी वही 5 8 10 बता रहा है, 3 नहीं है इसमें, 11 नहीं है, 11 तो लाभ का है। शनि जो है 3 5 8 10 बता रहा है, मरकरी भी 3 10 11 बता रहा है, तो सिमिलर हाउसेज हैं, जैसे वीनस में भी 3 10 11, ठीक, तो सिमिलर हाउसेज वाले आप प्लैनेट कौन कौन से, केतु 2 5 8 3 10 11, वीनस 3 10 11, मार्स 2 5 8 10, राहु 2 3 5 8 10 11, जुपिटर 2 3 5 8 10 11, शनि 2 5 8 10, मरकरी 3 10 11, तो थोड़े डिफरेंट वाले हाउस हो गए, जैसे मून है उसमें सिर्फ 10 11 है, लेकिन ये प्रमोट तो करेगा कहीं ना कहीं, वीनस में भी 10 11 है तो प्रमोट तो करेगा, 3 10 11 वीनस में, तो ये तो प्रमोट करेगा इन चीजों, किसको, एक अच्छी सेहत को, एक एक्टिंग या पर्दे पे आना, मशहूर होना, सोशल मीडिया में मशहूर होना, बाकी मीडिया पे, मीडिया तो हमको नहीं बता सकते कौन सा मीडिया, लेकिन मीडिया पे मशहूर। अब इसका राहु गुरु का पीरियड तो ऑलरेडी जा चुका है, तो इसका मतलब ये चीजें हुई होंगी, अच्छी सेहत, सोशल मीडिया पे आना, या एडवर्टीजमेंट लाइन में आना, या पर्दे पे आना। राहु शनि भी यही कराएगा, सिमिलर हाउस है, राहु मरकरी भी आगे यही कराएगा, सिमिलर हाउस है, राहु केतु भी यही कराएगा, सेम हाउस है, और तकरीबन क्योंकि सारे ब्रांड हैं तो इसका मतलब इसकी जिंदगी यही रास्ते चलेगी। लेकिन अभी हमारी डिस्कशन है कि 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक राहु और जुपिटर की कंजंक्शन है, तो क्या रिजल्ट देगी, और देखो मर्करी सन भी पॉजिटिव है, वही बता रहे हैं, तो 9th हाउस में इनका गोचर आएगा, क्योंकि राहु जुपिटर एरीज में है, तो ये ट्रांजिट या गोचर देख लेते हैं। तो ये छोटा जो अंदर हॉरोस्कोप है, ये जो 10 अगस्त 1994 बर्थ टाइम की है, और ये बाहर जो बने हुए ग्रह गोचर जो दिखा रहे हैं, ये आज के दिन का, आज है 23 अप्रैल, ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसको मैं अगर डेली पे क्लिक करके पीछे रहा तो 22 अप्रैल आ जाएगा, तो 22 अप्रैल में भी राहु जुपिटर इकट्ठे हैं, तो ये गुरु चंडाल है वो, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मरकरी और सन भी बता रहे हैं, तो इसका मतलब पहले दिन से पॉजिटिविटी होने लगी, किस काम में, सेहत में, और जो है ये एक्टिंग वगैरह में, या पॉसिबल है, ये सिमिलर चीजें हैं ना, एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, बट सिमिलर चीजें, तो राहु सन इकट्ठे जब हो जाएंगे जुपिटर के साथ ये, तो इसका मतलब 24 अप्रैल को बहुत ही कुछ बढ़िया होने वाला इसी लाइन के अंदर, वही अगर सन और मरकरी इकट्ठे हो रहे हैं 2 मई को, एक ही डिग्री पे आ गई है, तो और कुछ बढ़िया होने वाला है, और ये 30 नवंबर तक ऐसे चलेगा, 30 नवंबर तक ऐसे चलेगा, मतलब है मंथली इसको गोचर को चला के देखें, तो राहु जुपिटर इकट्ठे हैं और सन जो है वो 10th हाउस में है, मरकरी 9th हाउस में, इसका मतलब राहु जुपिटर मरकरी ये 9th हाउस में ही है 2 जून तक, इट मीन्स ही विल राइज अ लॉट, क्योंकि 3 प्लैनेट अगर पॉजिटिव इकट्ठे रहे और काफी टाइम तक रहे, कमाल हो जाएगा, और आगे भी चलता रहेगा ये सब, ठीक है। अब राहु जुपिटर ये 9th हाउस में है, तो देखते हैं कि क्या ये ट्रेवल भी करा सकते हैं, 9th हाउस है, दिमाग में ये बात है, ट्रेवल करा सकते हैं, देख लेते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा राहु जुपिटर कौन से हाउस में जाते हैं, राहु जुपिटर तो सॉरी हाँ राहु जुपिटर और राहु शनि भी, क्योंकि क्योंकि उसके दशाभुक्ति अंतर, दशाभुक्ति है, राहु शनि तो नहीं बता रहे, 9 12 लॉन्ग ट्रेवल या फॉरेन, जुपिटर भी नहीं बता रहा, तो ये सब काम तो हो लेंगे, लेकिन ट्रेवल वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। दूसरी हॉरोस्कोप ले लेते हैं जिसके अंदर राहु जुपिटर जो है वो एक हाउस नहीं बता रहे, या डिफरेंट इवेंट्स बता रहे हैं, ठीक देख लेते हैं। अब ये देखते हैं राहु जो है वो बता रहा 3 6 12, 3 6 12 9 12, मतलब क्या हो गया कि वो लिटिगेशन या परेशानियां बता रहा है, साथ में 9 12 है ट्रेवल भी बता रहा है, जुपिटर 9 12 है ट्रेवल बता रहा है, ये तो इसमें कॉमन हो गया जुपिटर राहु, लेकिन जुपिटर जो है वो प्रोफेशनली स्ट्रांग बता रहा है 10 11, और या कोई अगर परेशानियां पहले से हैं, कोई लिटिगेशन वगैरह, तो उसमें पॉजिटिव है, तो राहु नेगेटिव हो गया, लिटिगेशन और प्रोफेशन की वजह से जुपिटर उसका ऑपोजिट हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये एरिस असेंडेंट की हॉरोस्कोप है, तो अब इसको देखना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि एरिस असेंडेंट इजियर हो जाता है, ये वन जो है तो असेंडेंट में आता है, और गोचर भी एरिस में आ रहा है, देख लेते हैं राहु जुपिटर क्या करेंगे यहाँ।
तो पहले सारे प्लैनेट देख लेंगे, तो पॉजिटिव कौन से हैं जो जुपिटर के दोस्त या सेम सिमिलर हाउस बता रहे हैं, मून, केतु, वीनस, मिक्स है, तो ये चारों जो ग्रह हैं 10-11 बता रहे। सन जो है न्यूट्रल सा है, लेकिन क्योंकि शुभ ग्रह है न्यूट्रल है, तो इनके साथ फिर न्यूट्रल तो है ना, जैसे के साथ बैठेगा वैसा रिजल्ट दे देगा। चार प्लैनेट नेगेटिव हो गए, मंगल, राहु, शनि, मृत, तो ये 6 बार बता रहे। तो अब देखते हैं कि गोचर क्या करेगा राहु जुपिटर का, वह नोट करके रखना पड़ेगा दिमाग में कौन कौन से पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव है। वीनस मिक्स, जुपिटर मून केतु और सन पॉजिटिव, और चार नेगेटिव, तो वीनस दोनों तरफ काम करेगा। अब दशा भुगति अंतर आया, मून की मून शुरू ही हुआ, मून में मून है, देखते हैं अब इसको लगाएंगे ट्रांजिट। तो ट्रांजिट में हम देखते हैं कि राहु जुपिटर कंजंक्ट हो गए, राहु जुपिटर कंजंक्ट तो करें क्या भाई, मून तो 10-11 बता रहा, जुपिटर 10-11 बता रहा है, राहु ट्रेबल या नेगेटिविटी बता रहा है, तो जुपिटर सन के साथ कंजंक्ट है, सन पॉजिटिव है, तो अब क्योंकि दशा भुक्ति पॉजिटिव है तो जुपिटर सन पॉजिटिव हो गए, तो कोई और प्लैनेट अगर पॉजिटिव आ जाता है जुपिटर सन के साथ तो कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है। कौन से पॉजिटिव है, केतु, ठीक है केतु महाराज का 7th हाउस में, तो जुपिटर तो केतु 7th हाउस में आने नहीं वाला, सन जो है 6 महीने के बाद यहाँ आ जाएगा केतु के साथ, ठीक है। और जो पॉजिटिव है वो वीनस, 22 या 23 अप्रैल, तो वीनस जो है वो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा जिससे कुछ पॉजिटिविटी होगी, देख लेते हैं। ये आगे चल चला जाएगा तो वही केतु के पास, ये तो 7-6 महीने में आएगा, 5 महीने भी आ सकता है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन बना पड़ा है कि जुपिटर जुपिटर पे, वीनस वीनस के ऊपर है, और सन जो है वो सन पे है, तो तीन प्लैनेट जो है, तीन प्लैनेट जो पॉजिटिव है, इसका मतलब समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन। और राहु क्या ये जुपिटर के अपने चंडाल कर पाएगा, अब यहां पर बात है क्योंकि बात तो चंडाल की थी, तो राहु क्या ये रिजल्ट को खराब कर पाएगा, वो चंडाल चंडाल है ना, उसके बस का नहीं, क्योंकि ये तीन मिल गए हैं, और जो स्ट्रेंथ है वो दशाओं से है, तो भारतीय ज्योतिष में सबसे पहले दशाएं देखनी है, गोचर उसके बाद रिजल्ट देगा, तो अगर दशाएं पॉजिटिव हैं तो फिर गोचर जो नेगेटिव भी होता रिजल्ट नहीं देता, और पॉजिटिव गोचर जो रिजल्ट देगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जुपिटर सन, और जुपिटर तो रहेगा इसके अंदर करीब 6 महीने, बात हुई गई 30 नहीं 1 साल, और सन जो है वो अब 23 अप्रैल आ गया, तो रहेगा और 15 मई तक। वीनस यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ तक, कब तक रहेगा, डेली को यहाँ इसका चलाएंगे, तो वीनस अभी 2 मई को, 1 मई को चला जाएगा, कोई बात नहीं, 1 मई तक समथिंग बिग कैन हैपन पॉजिटिव इन हिज लाइफ, ये जो भी आदमी, ठीक। वीनस उसके बाद राहु के ऊपर ट्रांजिट करेगा, तो राहु नेगेटिव है, उसका कोई अर्थ कोई नहीं, और वीनस जब केतु के पास आएगा देख लेते हैं कुछ होना नहीं होना, देख लेते हैं, उसको तेज चलाना पड़ेगा वीनस को भाई को, तो मंथली का हम ट्रांजिट ले लेते हैं। तो वीनस जो है केतु पे आ गया, तो केतु जो साइन चेंज कर गया, वीनस दोनों दोनों ही चेंज कर गया था, तो इसका मतलब वीनस केतु का आपस में कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं, ये बना कि जुपिटर वीनस का आपस में म्यूचुअल जो है वो आस्पेक्ट है, तो इसका मतलब कोई और पॉजिटिव पीरियड इसके अंदर लंबा मिला नहीं। बट बात मेन जो थी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि गुरु चंडाल योग इसमें करेगा क्या, तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, राहु जो है जुपिटर को चंडाल नहीं कर पाएगा, जो उनकी भाषा में बात, ठीक। एक चीज हो रहा है कि जुपिटर राहु दोनों में लॉन्ग ट्रेवल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन मून में नहीं है, तो इसका मतलब हमें मार्स के इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करनी पड़ेगी जिसमें हमें लॉन्ग ट्रेवल, विदेश यात्रा वगैरह हम कह सकते, तो मून मार्स जुपिटर का पीरियड आए, मून मार्स राहु का पीरियड आए, तो कोई कॉम्बिनेशन बने तो ट्रेवल का योग बनेगा, वो अभी बना नहीं हुआ था, इसको डिस्कस नहीं कर सकता। एक और हॉरोस्कोप ले लेते हैं,
उसमें भी जुपिटर राहु जो है वो ऑपोजिट रिजल्ट दे रहे हैं। ऑपोजिट रिजल्ट का मतलब है एक जैसे नहीं देते हैं वो दोनों के दोनों, हाउसेस डिफरेंट सिग्निफाई। तो ये है 22 जुलाई 1967, ये और उसको हमारे पास आप देख रहे राहु क्या 6 8 12, गुरु क्या 10 11 10 10 11। तो शनि और शुक्र का पीरियड चल रहा है, शनि और शुक्र का जो पीरियड चल रहा है इस समय पे, उसमें शनि भी बढ़िया है 10 11, शुक्र भी बढ़िया है उसमें 10 10 बता रहा है। तो शनि जो है वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, शुक्र भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब राहु क्या इसके जो गोचर है जुपिटर के साथ 9वें भाव में आएगा, क्या ये खराब करेगा ये देखना। सन इसमें नेगेटिव है, मरकरी इसमें नेगेटिव है, तो इस समय पर राहु जुपिटर जो है 9th हाउस के अंदर जब अभी कंजंक्शन किए हुए हैं, देख लेते हैं इसको, तो इनका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्योंकि तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो दशा भुक्ति अंतर में दशा जो है वो, दशा भुक्ति अंतर जो है वो पॉजिटिव चल रही है, अंतरा सॉरी पॉजिटिव नहीं है उनका, लेकिन आगे जब शनि में जुपिटर आएगा तो अंतरा ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब राहु नेगेटिव है, जुपिटर पॉजिटिव है ट्रांजिट के अंदर, मरकरी नेगेटिव है, सन नेगेटिव है, तो ये चारों जब इकट्ठे हैं तो कंफ्यूजन वाली स्थिति है भाई, कौन सा रिजल्ट दूं। तो इट मींस वैसे जनरली पॉजिटिव रहेगा, लेकिन समथिंग बिग कैन नॉट हैपन। बिग का मतलब होता है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, बहुत बड़ी डील क्लिक हो जाए, जॉब करता हो आदमी तो प्रमोशन हो जाए, इस टाइप से बिजनेस हो तो मोटा फायदा हो, तो वो अभी उसके लिए टाइम लगेगा, मतलब अभी रिसेंट में नहीं होना। तो कब होना है, जब पॉजिटिव प्लैनेट चलेंगे, कौन से पॉजिटिव, जैसे ये वीनस इनका पॉजिटिव है, जुपिटर पॉजिटिव है, तो जब ये 10 11 उसमें आए तो जुपिटर तो यहीं रहेगा, तो वीनस आ जाए केतु आ जाए, तो इसके पॉजिटिव हाउसेज हैं, प्लैनेट्स हैं जुपिटर शनि केतु वीनस, मार्स भी ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव हाउसेज में आएंगे तो बात बन जाएगी, तो मार्स तो बैठे ही है 11th हाउस में, वीनस यहाँ बैठा है, तो कुछ तो पॉजिटिविटी रहेगी रहेगी ना। लेकिन हमारे यहाँ बात राहु जुपिटर गुरु चंडाल की बात, गुरु चंडाल कुछ नहीं कर पा, अगर जुपिटर कुछ पॉजिटिव करना कर देगा, राहु कुछ नेगेटिव कर नहीं पाया, क्यों, दशा भुक्ति अंदर में कुछ नेगेटिविटी नहीं, बस दैट इज ऑल। तो गुरु चंडाल योग से होने से कुछ बखेड़ा होने वाला है जिंदगियों में आपकी, सॉरी कुछ नहीं होने वाला, आपने दशाएं देखनी है। अगर राहु जुपिटर पॉजिटिव है तो वो राहु जुपिटर को रोक नहीं रहा मोटे तौर पे, और जुपिटर राहु को वैसे भी क्यों रोकेगा, ये तो आपको फीलिंग भी कभी नहीं आएगी, लेकिन रोक सकता भाई, जब जुपिटर नेगेटिव होगा तो उल्टा भी हो सकता है, लेकिन दशाएं नेगेटिव, तो ये कह देना गुरु चंडाल हो गया तो हाय, अब ये जो 30 नवंबर तो कुछ हाय हाय दुनिया में होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। अब हेडिंग जो है हमारा इस वीडियो का वो है कि उपाय, उपाय ये है, ये बेकार के वीडियो मत देखो, गूगल में मूर्ख लोग ज्यादा जो बेकार के वीडियो और इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके चक्कर में मत पड़ो, अकल की बात समझोगे तो अपने आप उपाय हो जाएगा। ये लोग आपके दिमागों में वहम डालते हैं, वहम डालने का फिर आप उपाय ढूंढते हो, जिंदगी तो में अप डाउन रहेगा, जब दशाएं खराब आएंगे खराब रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, सीधी सी बात है। अगर उपाय होता तो बताओ, ये बड़े बड़े बाबे जो वीडियो बनाते हैं, इन्होंने शनि की फ्रेंचाइजी वगैरह लेके इनके ऊपर केस जाते हैं ये अंदर में, ठीक है, तो फिर ये अपना उपाय कर लेना, नहीं कर पाते ना तो फिर उपाय को चक्कर मत पड़ो, आप सिंपल है। जो ये गूगल और यूट्यूब पे वीडियो देखना बंद करो, नेगेटिव वीडियो बनाएंगे, किसी ने नहीं आई एस कैसे बने, ग्रोथ कैसे है, नेगेटिव बनाएगा, आए राहु यहाँ आ गया, आए फलाना, आए सड़ सकती चली, देख देख के दिमाग का करना तय, अपने आप को संभालोगे, अच्छी वीडियो देखोगे, अपने आप उपाय। जय राम जी।